शुरू करने जाएंगे वो हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, जो जिसमें से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हम ये पूछते हैं कि वन वर्ड होते हैं कि भाई जो हमारा एनिमल बायोलॉजी है या हमारी जो बायोलॉजी है उसमें कोई ना कोई एक डिस्कवरी, किसी को एक क्रेडिट जिसे हम कह देते हैं कि वो पर्टिकुलरली क्रेडिट उसको दे दिया जाता है जो उसमें सबसे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे टॉपिक का नाम है कि फादर ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी की जो वेरियस ब्रांचेस होती हैं उसमें कौन कौन कितनी डिस्कवरी की है और क्यों उन्हें फादर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो हम ये सबसे पहले नाम आ जाता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम अरस्तु भी कहते हैं। अरस्तु ने क्या किया था, बायोलॉजी लाइफ की स्टडी, यानी कि उन्होंने बताया था कि लाइफ में जो जितनी भी हमारी जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है या जो हमारे प्लांट हैं उनमें लाइफ है या जो हमारा नेचर है उसमें किस किस चीज में लाइफ है किस में नहीं है, इन सारी चीजों को किसने बताया था, एरिस्टोटल ने बताया था। लाइक हमें पता है प्लांट है, हमें ये पता है कि ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग है वो चल सकते हैं, घूम सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो क्या हो गए, वो एक तरह से सजीव हो गए, लिविंग हो गए। लेकिन जो प्लांट हैं वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं लेकिन मूवमेंट शो नहीं करते हैं, तो हम उन्हें कंसिडर करते हैं किसमें, लिविंग्स में ही कंसिडर करते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट हमें दिया किसने, ये कंसेप्ट हमें एरिस्टोटल ने दिया। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल नेचर से रिलेटेड जितना भी एक तरह से एक बेसिक स्टडी जो की गई थी वो इन्होंने ही की थी। इसीलिए जब भी हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी दैट मीन वो कौन होंगे, एरिस्टोटल होंगे। फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री वो भी कौन होंगे, एरिस्टोटल। हिंदी में इनका नाम होता है अरस्तु। ठीक है, जूलॉजी एनिमल कॉन्सेप्ट पे जितना भी काम किया था वो अधिकतर काम किसने किया था, एरिस्टोटल ने किया था। तो यानी कि एक तरह से कहा जाए तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल। बायोलॉजी के रिलेटेड काफी सारे काम किया, जूलॉजी में यानी कि एनिमल जूलॉजी में सबसे ज्यादा फंक्शन इनका था, डिस्कवरी इनकी थी, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और फादर ऑफ जूलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट नाम आता है एडिसन, एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है, एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम, ऐसा हार्मोनल सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा हो, हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रहा हो। ये जो सिस्टम होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि जो हार्मोन आपकी बॉडी से बाहर सिक्रीट कर रहे हैं, और एंडोक्राइन होता है कि जो हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर सिक्रीट कर रहे हैं। तो जो इंटरनली सिक्रीशन हो रहा है हार्मोन का उसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और इसकी कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट नहीं कह सकते हैं लेकिन जो एक बेसिक स्टडी को एक हम ये कह देते हैं कि भाई हाँ इन्होंने क्या दिया था, एक स्टार्टअप दिया था, और एक अच्छा स्टार्टअप दिया था, कंसेप्चुअल स्टार्टअप इन्होंने दिया था, तो वो कौन हो गए, एडिसन। क्लियर। नेक्स्ट आता है कार्लस लिनियस, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे एनिमल किंगडम हो, चाहे हमारा प्लांट किंगडम हो, चाहे फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी हो, मोनेरा है ना, तो वो सारी की सारी टेक्सोनोमी के किस फाइलम से रिलेट करता है, किस ऑर्डर में आता है, किस क्लास में आता है, हम उसके कंप्लीट नेमिंग को क्या कहते हैं, उसके टेक्सोनोमी कहते हैं। ठीक है, अगर भाई बॉडी है वो चार तीन पार्ट में डिवाइड है, पर्टिकुलरली कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड नहीं होती है ना, उनका ये पता नहीं चलता कि सर कहाँ है, ये पता नहीं चलता पैर कहाँ है ना, कुछ ऐसे इस तरह के आपको ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं। तो यही सारी स्टडी, यही किसमें, इसको हम पूरे के पूरे जो क्लासिफिकेशन हम कर देते हैं, हम उनका डिवीजन कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर एनिमल है, ये हमने इस फाइलम में रखा, इस किंगडम में रखा, इस क्लास में, इस ऑर्डर में रखा है, स्पीसीज इसकी ये है, जीनस इसका ये है, तो वो सारा का सारा स्टडी किया आ जाती है टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनॉमी जो दी थी वो किसने दी थी, कार्लस लिनियस ने दी थी। तो इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लस लिनियस को कहा जाता है। जी जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि जितने भी आपके पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं, है ना, लाइक अगर आप हैं आपकी जगह कोई भी है, आपका जो फेस है वो आपकी फैमिली में किसी ना किसी से रिजेंबल करता ही है। 95% चांसेस ये होते हैं कि आपका फेस या तो आपकी मदर से रिलेट करेगा या फिर आपके फादर से रिजेंबल करेगा। कभी कभी क्या होता है, दादाजी से मिल गया या आपके नाना जी से मिल गया या नानी से मिल गया, तो
है ना, तो वो रिजेम्बलिंग जो आ जाती है, वो जीन्स का जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो आपका क्या कहलाता है, उस पूरे कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने यहाँ पर पूरा एक स्टडी, पूरा एक रिजल्ट यहाँ पर दिया था कि ये जो जीन्स हैं किस तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं, डीएनए इसमें कैसे हेल्प करता है, या जो डीएनए है उसको हम जेनेटिक मटेरियल क्यों कह रहे हैं, ऐसा उसमें क्या है, वो सारी स्टडी इन्होंने की थी। और एक पूरा का पूरा हम ये कह सकते हैं कि पूरा कंसेप्चुअल बेस उन्होंने क्या दिया था, रिजल्ट दिया था, एक ऑथेंटिक रिजल्ट वहां से हमें देखने को मिल रहा। तो यही पे इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है, को किसके फादर हो गए, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी क्या होती है कि जो आपका डीएनए है वो कंप्लीटली एक सीक्वेंसिंग में काम करता है, राइट, उसपे एक पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग होती है, और सीक्वेंसिंग किस चीज की होती है, प्यूरिन और प्रिमिडीन की। ठीक है, तो ये प्यूरिन और प्रिमिडीन क्या करते हैं, प्यूरिन किससे बाइंड करता है, प्रिमिडीन से बाइंड करता है, तो वही पूरी एक डीएनए की सीक्वेंसिंग बनाते हुए जाता है। अब अगर उस सीक्वेंसिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, सपोज अगर एक ए है तो वो हमेशा टी के साथ बाइंड करेगा, सी है तो वो हमेशा जी के साथ बाइंड करेगा, अब यहाँ पे इस बाइंडिंग में अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसी को हम क्या कह देते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा, म्यूटेशन कहा। और सबसे पहले जिसका पता लगाया था म्यूटेशन का, वो किसने लगाया था, वो लगाया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक है, तो म्यूटेशन थ्योरी इन्होंने ही दी थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। क्लियर। नेक्स्ट आता है कार्ल अर्नेस्ट वॉन वियर, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का क्या मतलब होता है, एम्ब्रियो से भी जानते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एग फॉर्मेशन होती है उसके बाद, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा एक सेल का डेवलपमेंट है उसको एक नाम दिया जाता है एम्ब्रियो। ठीक है, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी क्या है कि समटाइम इट्स हैपन कि कभी कभी क्या होता है कि एग पूरी तरह से डेवलप नहीं किया जाता, तो उसको विद द हेल्प ऑफ सम मेडिसिंस या विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स क्या किया जाता है, उसको ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, कार्ल अर्नेस्ट वॉन वियर को जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। लियोनार्डो डाविंसी, इनको क्या कहा गया, ये किसके फादर हो गए, ये हो गए आपके जीवाश्म विज्ञान जो होता है। ठीक है ना, पैलियोन्टोलॉजी जो होती है, जीवाश्म विज्ञान क्या है भाई, हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं, है ना, कभी ना कभी हमें ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे अलावा भी हमसे पहले भी कुछ अलग तरह के एनिमल वहां पर रहे होंगे, राइट। जैसे अगर हम अभी यहाँ पर हैं, हमसे पहले डायनासोर रहे, राइट, एक हम बतख को हम जानते हैं जिसका नाम डोडो होता है, डोडोस की चौड़ी सी चोंच होती है काफी, है ना, तो उनके हमें क्या मिले थे, फॉसिल्स मिले थे, राइट, तो उसका एक पूरा साइंस आ जाता है कि ये पूरा एक फॉसिल साइंस है। हमें डायनासोर के फॉसिल्स मिले, कुछ प्लांट के फॉसिल्स मिले, जिससे हमें ये पता चला कि हमसे पहले भी कोई एनिमल, कोई लाइफ एग्जिस्ट करती थी, तो उस लाइफ एग्जिस्टेंस की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, इन्होंने दी थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विलियम हार्वे, इज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। वेल नोन टॉपिक है, आपका जो ब्लड है वो ऑल ओवर बॉडी में क्या करता है, थ्रू आउट बॉडी क्या करता है, सर्कुलेट करता है, तभी आप आराम से आपकी जो बॉडी है वो एनर्जी कंडक्ट कर पाती है, आप आराम से काम कर पाते हैं। अगर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन का पूरा कंसेप्ट विलियम हार्वे, तो ही इज द फादर ऑफ, ही वॉज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। कार्ल एंडस्टीन, ब्लड ग्रुप, ब्लड का क्या है, खून सभी के अंदर होता है ना, लेकिन वो चीज क्या हो गई, सबके अंदर अलग अलग हो गया, कहीं पे हमारे ब्लड कितने, ब्लड के कितने ग्रुप हो गए, चार हो गए, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट एक हुआ। ठीक, तो ये ए बी, ए बी ओ क्या हुआ, ये हमारे चार ब्लड ग्रुप हो गए। ठीक है, अब यही चारों ब्लड ग्रुप क्या करेंगे, ठीक है, ये क्या हो गए, हमारे चार ब्लड ग्रुप हो गए, इनका एक कंसेप्ट आया, ब्लड ग्रुप ए है तो यानी कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये बी को अपने आप से अलग कर रहा है। ठीक है, बी को अपने आप से अलग क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ए के साथ अपने आप को बाइंड नहीं करवा पा रहा है,
ओ से अलग करता है, एबी से अलग करता है, इसीलिए इनको क्या कर दिया गया, ग्रुपिंग इनकी की गई थी। अब उस ग्रुपिंग में जो क्रेडिट गया वो किसको गया, कार्ल एंड स्किनर को गया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मीन टू से स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। सेल क्या है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल है, कैसे काम करते हैं, क्या उनका फंक्शन है। सेल ऑर्गेनल हो गया जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, उसी पूरे कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, एक नाम दे दिया जाता है साइटोलॉजी। तो सेल के बारे में यहाँ पर दो नाम मिले आपको मिलेंगे, एक होता है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने सेल के बारे में बताया था, है ना, उन्होंने कहा था कि एक लकड़ी का कॉर्क है, उन्होंने उस पर अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से जब उसे स्टडी किया था तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर खाली छेद है, तो उन्होंने उनको सेल कहा था। तो रॉबर्ट ब्राउन नहीं आएंगे, उन्होंने केवल सेल को क्या किया था, देखा था। रॉबर्ट हुक ने पूरा स्टडी किया था साइटोलॉजी के लिए, स्टडी ऑफ सेल, तो ही वाज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट नाम आता है हमारा डब्ल्यू एम स्टैनले, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का क्या मतलब हुआ, स्टडी ऑफ वायरस। हमें एक चीज पता है कि जो वायरस होता है वो जब तक अकेला है तब तक तो वो कैसा है, नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट सेल के संपर्क में आता है तो वो अपने आप को लिविंग कर देता है ना। वायरोलॉजी का मतलब हो गया कि जितने भी आपके वायरसेस हैं, वेरियस टाइप ऑफ, क्योंकि वायरस भी क्या है, अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि भाई जो सडनली आपका मौसम चेंज होता है और आपको अचानक से कोल्ड हो जाता है या खांसी हो जाती है, तो दैट वॉज द वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो आपको मेजरली बीमार कर देते हैं, लाइक HIV, है ना, वो भी क्या हुआ, एक वायरस हुआ। तो ये वायरस क्या हो गया, तो उसकी भी क्या होती है, अलग अलग कंसेप्ट दिया जाता है, कितने तरह के वायरस है, इसका क्या, इससे बीमारी हो रही है, या अगर ये हमारे लिए किस तरह से हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो पूरी की पूरी स्टडी किसमें आती है, वायरोलॉजी में आती है, जिनके फादर किसको कहा जाता है, डब्ल्यू एम स्टैनले पूरा नाम। ठीक, एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम का मतलब हुआ कि जो आपकी बॉडी की क्षमता है ना, जो आपकी बॉडी की क्षमता है किस चीज से, जो आपकी बॉडी की क्षमता, जो बीमारियां हो जाती हैं, आप छोटे मोटे बुखार के लिए कभी भी दवाइयां नहीं लेते, उसमें जो आपकी बॉडी है वो सेल्फ रिकवरी ले लेती है बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम। आपको कोल्ड हो गया, आप उसके लिए दवाइयां नहीं खाएंगे, ज्यादा मेजर हो गया तब आप दवाई लेंगे, छोटे मोटे कोल्ड के लिए आप दवाइयां नहीं लेते, उसे आपका इम्यून सिस्टम आसानी से कवर अप कर लेता है। क्यों, क्योंकि वही क्या होता है, आपका एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी का सोल्जर होता है, राइट, जो एंटीबॉडीज बनाता है और सारे के सारे एंटीजेंस को जो भी आपकी बॉडी में एंटर करते रहते हैं उनको क्या करता रहता है, किल करता है। क्लियर बात, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो यही कंसेप्ट कि इम्यून सिस्टम क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, ये सारा कंसेप्ट एडवर्ड जेनर ने दिया था। ठीक है, फादर, मैं फिर से बता रही हूँ कि फादर उसको कहा जाता है जो रिजल्ट एक कंसेप्चुअल बेस पे रिजल्ट देता है, जो एक सेटिस्फाई रिजल्ट देता है, उनको फादर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि एडवर्ड जेनर आए, उन्होंने इम्यूनोलॉजी पे काम किया, या यहाँ पर ह्यूगो ड्रीवीज आए, उन्होंने म्यूटेशन पर काम किया, उनके अलावा कोई और था ही नहीं, बहुत लोग एक साथ काम करते हैं, लेकिन एक ऑथेंटिक रिजल्ट जिसका मिलता है उसी को फादर का टैग दिया जाता है ना, पिताजी लाइक जिसको आप कहते हैं। ठीक है, लुईस पाश्चर, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है कि यहाँ पर हम जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, अब माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल भी होंगे, हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, उन्हीं की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। अब उस स्टडी को किसने कॉन्सेप्ट में दिया, लुईस पाश्चर ने दिया था। लुईस पाश्चर का एक काफी फेमस, आपने देखा भी होगा, प्रैक्टिकल भी है, 6th, 7th, 8th क्लास में भी वो आपको देखने को मिला होगा, कि उसमें एस ट्यूब का उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था, मीट का टुकड़ा अंदर रख के कि किसी में कॉटन प्लग लगा दिया, किसी को खाली छोड़ दिया, ऊपर से जो उनका ट्यूब था उसको तोड़ दिया, एक वाले को पूरा एस ट्यूब बना दिया, उसमें कॉटन प्लग लगा दिया, तो उन्होंने देखा कि मीट किसमें ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाया, है ना। तो उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे एनवायरमेंट में ही एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, तो इसलिए स्टडी ऑफ माई फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पाश्चर। अब यहां पर आ जाते हैं चरक, सभी जानते हैं, सुश्रुत
जानते हैं। आर मिश्रा को समझ लीजिए, आर मिश्रा कौन थे? इंडियन इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या हुआ? कि जो आपका एनवायरमेंट है, आपके एनवायरमेंट में जितने भी यहाँ पर माइक्रोब हो, एनिमल हो, प्लांट हो, वो सब मिला के एक बैलेंस्ड क्या करते हैं, पूरा एनवायरमेंट तैयार करते हैं, आप उसी को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंडियन इकोलॉजी आर। ठीक, अब बात करते हैं चरक और सुश्रुत। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं चरक। आयुर्वेद सभी जानते हैं, है ना, ये कोई आज की बात नहीं है। चरक संहिता नाम सुना होगा, वो इन्हीं की लिखी हुई है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये आज की नहीं है, हमारे अब से कम 3-4 हज़ार साल पहले की बात, यानी कि साइंस उस टाइम पे भी इतना ज्यादा डेवलप था कि जो चरक थे उन्होंने आयुर्वेद मेडिसिन पे, ये आयुर्वेद मेडिसिन क्या होती है, कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं, जो दवाइयां हमें कहाँ से मिलती हैं, पेड़ पौधों से मिल जाते हैं, जड़ी बूटी जिनको हम कहते हैं, पेड़ की छाल से मिल गई या पत्तियों से मिल गई या फूलों से मिल गई, वो पूरी की पूरी स्टडी, पूरा का पूरा कंसेप्ट चरक ने दिया था। चरक ने एक बात कही थी, इन्होंने कहा था कि बीमारी को मत खत्म कीजिए, बीमारी की जड़ को खत्म कीजिए, है ना। अभी हम क्या करते हैं, मान लो जैसे सर में दर्द हो गया, है ना, हम शॉप पे गए, हमने एक डिस्प्रिन ली, खा ली, वो इंस्टेंट रिलीफ कर देती, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, फिर से आपको क्या होगा, फिर से कभी ना कभी हेडेक आपको दोबारा से होगा, और जल्दी ही होगा। ऐसा नहीं कि अब आपने एक डिस्प्रिन खा ली तो अब आपका हेडेक होगा ही नहीं। चरक ने जो स्टडी किया था वो इस बात पे किया था कि बीमारी जो हुई है उसकी जड़ क्या है, आप उसके जड़ पे काम कीजिए, अगर जड़ निकल जाएगी तो बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, हमेशा दवाइयों का इस्तेमाल इस तरह से करते थे कि वो सीधा बेस से उस बीमारी को खत्म करने की कोशिश करते थे। तो 90% इन्होंने काफी सारी मेडिसिन जो चरक संहिता है, अगर कभी भी आप लोगों को ऐसा लगे कि भाई हमें पढ़ना चाहिए उसको, तो एक बार पढ़िएगा जरूर, उसमें आपको इतनी सारी दवाइयों के नाम मिलेंगे जो शायद आज के ट्रीटमेंट में अभी उनको यूज में नहीं भी लाया गया है। नेक्स्ट नाम आता है सुश्रुत। सुश्रुत को कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी। सर्जरी सभी जानते हैं, सर्जरी क्या होती है, जैसे आप कहते हैं ना कि आंखें, अगर एक एज के बाद आंखें खराब हो जाती है, जिसको आप मोतियाबिंद कहते हैं, है ना। तो सुश्रुत जी ने क्या किया था, 2800 साल पहले, है ना, प्लास्टिक सर्जरी जो होती है उसको इन्होंने ईजाद किया था, उन्होंने इसको बताया था कि सर्जरी किस तरह से की जाती है, प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है। अब इसमें किसी प्लास्टिक का तो यूज होगा नहीं। प्लास्टिक सर्जरी का क्या मतलब होता है कि अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उसे आपके बॉडी टिश्यू से ही क्या किया जाए, रिपेयर किया जाए। ठीक है, एक किस्सा इनका सुश्रुत जी का काफी ज्यादा फेमस है कि रात को करीबन काफी देर रात को कोई एक इंसान इनके दरवाजे पर आता है, वो घायल था, उसकी जो नाक थी वो कटी हुई थी, है ना, और वो कटी हुई नाक के साथ काफी ज्यादा ब्लीडिंग उसको हो रही थी। तो वो वहां पर आए, सुश्रुत जी ने दरवाजा खोला, जैसे ही उन्होंने दीपक उठा के उसका चेहरा देखा, उन्होंने देखा कि इसकी नाक जो है वो क्या हो गई है, कट गई है, वो उसे अंदर ले आए। ठीक है, तो उसे अंदर लाने के बाद उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, उसके गाल के टिश्यू से उसकी नाक को क्या किया, उन्होंने दोबारा से बनाया। अब जब हम बात करते हैं सर्जरी की, इसको हिंदी में कहते हैं शल्य चिकित्सा। शल्य का मतलब होता है पीड़ा, है ना, तो पीड़ा से मतलब हो गया कि जो चीज आपको क्या कर रही है, दुख दे रही है। सीधी सी बात है, अगर आपके बॉडी ऑर्गन से एक टिश्यू निकाले जाएंगे तो उसमें कोई हंसी खुशी वाली बात तो है नहीं, कॉमन सी बात है, उसमें क्या होगा, दर्द होगा। अभी क्या करते हैं, अभी कोई सर्जरी करनी है तो सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, राइट। तो उस टाइम पे क्या करते थे, उस टाइम पे मद पिला देते थे, तो उस मद में क्या हो जाता था, उसका माइंड अनकॉन्शियस हो जाता था और वो आराम से, उसको दर्द का एहसास नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि शल्य चिकित्सा को करना इतना ज्यादा आसान काम नहीं होता, आप अपनी बॉडी को कहीं से भी बिना वजह नहीं कटवा सकते। ठीक है, तो उन्होंने उसकी नाक को क्या किया था, रिपेयर कर दिया था उसी के बॉडी टिश्यू से। ठीक है, तो इसीलिए, और ये बात आप बिलीव कीजिएगा कि जो सुश्रुत थे वो आज के तो थे नहीं ना, ऋषि थे, इनको आचार्य कहा जाता है, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, राइट। तो आचार्य सुश्रुत जो थे उन्होंने सर्जरी को बताया, प्लास्टिक सर्जरी हमारे भारत में 3000 साल पहले आ चुकी थी, अब उसको केवल वेल डिफाइन करके क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। ठीक है, कैसे,
क्या होता था, जैसे अब आप सभी जानते हैं कि अगर राजा महाराजा हैं तो पहले युद्ध बहुत होते थे। अब युद्ध में क्या होगा, तलवारें चलती थी, पहले गोली बंदूक नहीं चल रही, तलवारें चल रही थी, है ना। अब किसी का अब युद्ध हो रहा है तो सीधी सी बात है उसमें क्या होगा, घायल हो जाता है इंसान। घायल होने के बाद वो, उसको अगर घायल है तो उसे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वो सर्जरी इसीलिए उसको कहा जाता था, शल्य चिकित्सा इसीलिए उसको कहा जाता था क्योंकि शल्य का मतलब होता ही पीड़ा है ना। तो यानी कि एक ऐसा ट्रीटमेंट, एक ऐसा इलाज जो पीड़ा के साथ किया जाए, उसको उन्होंने नाम दिया था शल्य चिकित्सा, ठीक है। तो जो युद्ध में सैनिक घायल हो जाते थे उन पर उन्होंने काफी ज्यादा काम किया था, उन्हें ठीक किया था। लाइक उनका पैर अगर खराब हो गया तो उसको अलग कर देना, या उसमें कुछ टिश्यू डाल के अगर वो रिपेयर हो सकता है तो उसको रिपेयर कर देना, जिसे आज आप ऑपरेशन कहते हैं, है ना। उसको उस टाइम पे शल्य चिकित्सा कहा जाता था, और जिसमें पूरा फादर ऑफ किसको कहा गया, सुश्रुत जी को कहा जाता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड को इन्होंने एक शल्य चिकित्सा का कंसेप्ट दिया था, क्लियर है बात, ठीक है। आर मिश्रा बता चुके हैं, ठीक है। चरक मेडिसिन जैसा कि बताया था, याद रखिएगा, आचार्य के नाम से इनको कहा जाता है, क्लियर। थैंक यू सो मच।